अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से हूँ। आज जैसे कि आप सबको पता है कि वुमेंस डे है, तो मैं आप सबको मेरे तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। और आज का जो व्लॉग है, मैं एक स्पेशल व्लॉग समझूंगी इसको, क्योंकि मैं अपनी जर्नी का एक छोटा सा हिस्सा मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं जो भी पिक्स मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, एक्चुअली ये 3 ईयर्स बैक वुमेंस डे है। वुमेंस डे मैंने जो सेलिब्रेट किया था वो है। और हम एक जो है एक मेरे ऑफिस में मेरा ऐसा समझो कि मेरा आखिरी सेलिब्रेशन था ऑफिस में वुमेंस डे का। उसके बाद मैं मार्च 10th लास्ट था मैं ऑफिस गई थी। उसके बाद से जैसे कि आपको पता है कि कोविड स्टार्ट हुआ था। हालांकि कोविड जो है मार्च एंडिंग में कोविड का लॉकडाउन हुआ था, बट हमारे जो टीम है वो मार्च 10 से ही हमने ऑफिस जाना बंद कर दिया था। तो ऐसा है कि इसकी वजह से जो है मेरे तरफ से जो है ये एक लास्ट वुमेंस डे सेलिब्रेशन था ऑफिस में। और इससे इसके अलावा जो है उसके बाद मैंने मेरे जो जहाँ पे मैंने कोर्स किया था वहाँ पे मुझे एक स्पेशल इन्विटेशन मिला था। मेरे पूरे टीम से मुझे भी इन्वाइट किया था वुमेंस के लिए, तो मुझे एक प्राउडफुल मोमेंट है मेरे लिए वो। तो बस यही वाला मैं शेयर करना चाहती थी आपसे कि वहाँ एक कोर्स हुआ था, तो वहाँ पे जो है मेरी पूरी बैच में हालांकि हम लोग सब 50 मेंबर्स थे, 50 मेंबर्स में मैं अकेली जो हूँ, जो मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। तो बस मैं इसी के रिगार्डिंग आपसे शेयर करने जा रही हूँ। आई एम गेटिंग गिफ्ट फ्रॉम ICICI अकेडमी। ये जो है एडवोकेट है बेंगलोर में, और यह जो है मेरे लिए गिफ्ट मिला था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे एक पिक ले रही हूँ अकेडमी में, और ये मेरे फैकल्टी मेंबर्स हैं। इसके अलावा जो है ये मेरे धर्मेंद्र सर है, ये जो है स्पेशली हमारे सर थे हमारे बैच के लिए, और ये मैम सुधा मैम है। इसके बाद जो है मेरे ऑफिस के पिक्स है, जो मैं आखिरी बार मेरे फ्रेंड्स के साथ ली थी मैं, और आई एम रियली मिसिंग हर। ऐसा होता है ना कि आपके लाइफ में आप 1000 दोस्त बनाने से अच्छा है एक ऐसा दोस्त बनाओ जो आपको एंड तक आपका साथ दे। तो एक ऐसा ही था हमारा बॉन्ड भी, कि आप मेरे पास 1000 दोस्त तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास ऐसे दोस्त ज़रूर थे जो लोग मेरे लिए प्राउड फील करते थे कि मेरे साथ होने से। और ऐसा होता है ना कि लाइफ में हमें लाइफ में ऐसे लोगों को हमें कमाना भी चाहिए, एटलीस्ट एक तो कमाना चाहिए, एक इंसान को तो ऐसा कमाना चाहिए कि वो आपके लिए प्राउड फील करे। ठीक है, मुझे तो बहुत मिस करती हूँ मैं उस मोमेंट्स को, ये सारे मुझे अंदाज़ा भी नहीं था इस वक्त ये जब मैं पिक ले रही थी कि मेरा ये आखिरी पिक्स होंगे ऑफिस में बोल के। और इसके बाद जो है मैं अपने ऑफिस में, इसके बाद हमने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया था, और ये वुमेंस डे के दिन हमारे लिए ऑफिस में गिफ्ट्स दिया गया था। ठीक है, और ये सब कुछ मेरे ऑफिस के ही पिक्स हैं, और ये भी, और इसकी भी शादी हो चुकी है अब। मैं लास्ट ईयर तक मैंने वर्क फ्रॉम होम भी किया है, मैंने आफ्टर माई प्रेगनेंसी आई रिजाइन माई जॉब। ठीक है, मुझे बहुत ही मिस होता है, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं अपने दोस्तों को, सबको। ये मेरी अचीवमेंट थी एकेडमी का। और इसके बाद दोबारा से नेक्स्ट डे मुझे बुलाया गया था, क्योंकि एक बैच आउटपुट हो रही थी, तो उनके लिए एक इंस्पिरेशन के लिए मुझे भी बुलाया गया था। आप देख सकते हो मुझे सारे लड़कों में से मैं अकेली लड़की हूँ, और इनमें मुझे एक जोनल मैनेजर के साथ मैं बैठी हुई हूँ यहाँ पे जो है बच्चों को मैं फ्रेंड वो जो आए हैं उनको मैं भी अपने तरफ से सर्टिफिकेट मैंने प्रोवाइड किया था। उसके बाद जो है मेरा इंटरव्यू लिया गया था, तो वही है ये जो वीडियो है वही है। ठीक है, बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स आपसे शेयर करूँगी ताकि आपको भी इंस्पायर हो सको, क्योंकि मुझे एज ए इंस्पिरेशन आप समझिए कि अगर आपको कोई कहे कि आपकी लाइफ की जर्नी जो है किसी और को लाइफ मतलब इंस्पिरेशन हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात शायद कुछ भी नहीं हो सकती है।
तो ऐसे ही मुझे भी इसी की वजह से मुझे भी मेरा इंटरव्यू लिया गया था दूसरों के लिए। और मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स मतलब मेरे जो सर थे, उन्होंने भी मुझे कॉल करके बताया कि जो जिस बैच को मैंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ बच्चे कह रहे थे कि मेरी लाइफ उनके लिए इंस्पिरेशन है। मतलब वो बोल रहे थे कि मेरी मतलब वो भी मेरी जैसा बनना चाहते हैं। तो आई एम रियली ग्लैड कि मुझे बहुत मतलब बहुत खुशी के आंसू आ गए समझो ऐसे इसे सुनकर। ठीक है, आप इस ये जो वीडियो है मैं बस थोड़ा सा प्ले करूँगी, आप भी Be yourself, is confident yourself. Whenever you got your, you have confident yourself, then only you will get success in your life. Okay? बस मैं थोड़ा सा वीडियो ही मैं यहाँ पे प्ले कर सकी, क्योंकि मैं शायद ये वीडियो जो है कॉन्फिडेंशियल है, मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सकती हूँ। और ठीक है, ये सब कुछ जो है मेरी छोटी सी जर्नी है मेरे लाइफ की, बस 2 साल की जर्नी थी वो। और मैं ठीक है, आप सबको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मैं अपना ब्लॉग भी यहाँ पे एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।